नमस्कार सभी दर्शकों को, वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल जैसा कि लगातार बना हुआ है डिडिहाट जिले में एकदम ग्राउंड से, और आज यहां पर साथ मिला है डिडिहाट जिले की मुहिम में मुनस्यारी और धारचूला के छात्र संघों का और छात्रों का। इसी बीच हमारे साथ हैं डिडिहाट जिला संयोजक श्री सागर बिष्ट जी, छात्र संघ अध्यक्ष बलवाकोट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डिडिहाट संयुक्त मोर्चे को, जो डिडिहाट जिले की मांग को लेकर आप लोगों ने आज अनशन का, जो आमरण अनशन का चौथा दिन है, आप सभी अनशनकारियों को मैं क्रांतिकारी नमन करता हूं कि आप लोग डिडिहाट जिले की मांग के लिए डटे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ धारचूला और छात्र संघ मुनस्यारी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि डिडिहाट जिले की मांग सिर्फ डिडिहाट तक ही सीमित नहीं है, डिडिहाट जिले की मांग धारचूला मुनस्यारी तक सीमित है। क्योंकि सीमांत का यह जिला जब बनेगा, निश्चित रूप में मात्र डिडिहाट पर कोई विकास नहीं होगा, इस जिले का विकास धारचूला और मुनस्यारी को भी होगा, जिसका लाभ हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्रीय ग्रामीण है उन लोगों को निश्चित रूप पे डिडिहाट जिले का फायदा सभी को मिलेगा। आज जहां विभिन्न छात्र यहां पर आए हुए हैं डिडिहाट जिले की मुहिम में, इसी में आए हुए हैं नगर मंत्री मुनस्यारी अनिल कोरंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये अनशन, ये मुहिम चल रहा है कि जिला डिडिहाट बनाने का, तो हमारे सीमांत क्षेत्र धारचूला मुनस्यारी का इसमें पूर्ण समर्थन रहेगा, क्योंकि हमारा जो सीमांत क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ना वहाँ की रोडें अच्छी, सड़कें अच्छी हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी हैं। तो अगर ये डिडिहाट जिला बन जाता है तो वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर ज़्यादा मिलेगा, और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है, जैसे कोई बीमार पड़ जाते हैं तो हमें यहाँ से हल्द्वानी, पिथौरागढ़ इस तरह से जाना पड़ता है, जैसे रोड ख़राब हैं तो उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है लोगों की। अगर ऐसे डिडिहाट जिला बन जाता है तो यहाँ अच्छी सुविधाएँ स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर लाभ मिल सकता है, तो इस समर्थन पूरा रहेगा। यहाँ पर अनूप कमीशन गठित किया गया, तो उसके लिए हमारे साथ नियम यहाँ पर जुड़ रहा था कि कोई भी जिला बनता है तो ऑटो इलाके से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। आज आप लोग सभी जियोग्राफिकल मैप देखना अच्छी तरह जानते हैं, तो आप कहना चाहिए तो एक डिडिहाट इसका केंद्र बिंदु था। यह मैं बात कर रहा हूँ 1960 की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइना यहाँ पर अटैक करने वाला है, जो 1962 में हुआ था। तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु देखा गया है, विज्ञान का ऐसा केंद्र बिंदु था, यहाँ से 50 किलोमीटर है, आज भी मुनस्यारी भी यहाँ से 50 किलोमीटर है। आप लोग लॉन्ग रूट के रास्ते आते हैं, लेकिन हमारा जो सिराजपुर कल्ला स्वामी का लेकर भी पड़ रहा है, यहाँ पर से सीधे अभी शॉर्ट रास्ता बन रहा है, मात्र 16 किलोमीटर बीच में बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर से मुनस्यारी की दूरी मात्र 50 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर से जो हमारा बेरीनाग था, बेरीनाग भी यहाँ से 50 किलोमीटर है, जो पिथौरागढ़ था जिसको सोल कहते थे वो भी 50 किलोमीटर था। तो 1962 में जब सिर्फ गार्ड होली थी, उससे पहले ही साल से सिर्फ गार्ड होने लगी थी कि चाइना यहाँ पर करने वाला है। तो सीमांत क्षेत्र, एक सीमांत जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल और भारत में आता है, तो सीमांत जिला डिडिहाट को बनाए जाने के लिए, चाहे धारचूला हो, पीटीसी में जो पास होता है मीटिंग में बहुत ही पास हुआ, और धारचूला से पास हुआ, बिनाचीला से पास हुआ, बेनाग से पास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की कमियां रह गई और 1962 में पिथौरागढ़ जिला बन गया। तो वहां पर यह बात आई थी कि इसका जो मुख्यालय है वह डिडिहाट की होना चाहिए, क्योंकि आज आप भी देख पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए धारचूला मुनस्यारी में हमेशा रहे जो मुख्यमंत्री रहे, और तुरंत 2-3-24 घंटे के अंदर अनेकों बार यहाँ पर संघर्ष हुआ। सुना हमारे चैनल पर छात्र संघ अध्यक्ष बलवाकोट और जो डिडिहाट जिला के नगर संयोजक है। इसी बीच हमारे साथ है छात्र संघ अध्यक्ष मुनस्यारी कमला चुलकुटिया जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी कि आज यहाँ पे जो आमरण अनशन का चौथा दिन चल रहा है, आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों को मैं हमारी तरफ मुनस्यारी जो सीमांत क्षेत्र का एक तहसील है, हम भी चाहते हैं कि एक ये डिडिहाट जो जिला, ये डिडिहाट एक जिला, जो जिला का जो मुहिम चल रहा है ये एक जिला बने, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। मुनस्यारी क्या धारचूला सभी ये डिडिहाट, ये तीनों तहसील लग के यहाँ पे जिला बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। और वॉइस ऑफ माउंटेन में अब तक आप सुन चुके हैं विभिन्न छात्रों को जो मुनस्यारी और धारचूला से आए हुए जिले की इस मुहिम में साथ देने। इन्हीं में से एक छात्र है हरीश बिष्ट जी, नगर मंत्री धारचूला। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जो डिडिहाट के तहसील के क्षेत्र के जनता है और बड़े बुजुर्ग लोग और युवा साथी लोग, जो अनशन के आज 14वें दिन पे इतने
कर्मठ विचार से लगे हुए हैं डीडी आर्ट जिला के लिए। अवश्य रूप से ये डीडी आर्ट जिला होना चाहिए ताकि हमारी जो तहसील दासरा मुंडेरी डीडी आर्ट की काफ़ी डेवलपमेंट होगा और हमारे यहाँ के युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनताओं को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। हमारे काफ़ी दूर पिथौरागढ़ जिला काफ़ी दूर है, हम एक दुर्गम क्षेत्र से अगर हम पिथौरागढ़ जाते हैं तो हमें कई समस्याएं लग जाती है, कई चीज़ों का नुकसान होता है। वहाँ पर जैसा कि मरीज को भी कई टाइम लगता है, ना एम्बुलेंस की सुविधा होती है, सिस्टम से ना कुछ होता है। अगर डी डी आर जिला अगर यहाँ पर बन जाता है तो पूरे तीनों जैसे को काफ़ी लाभ मिलेगा और खासकर तो यहाँ पे जिला की यहाँ पे नमस्कार दर्शकों, वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल में आपका स्वागत है और आज हम एक बार फिर से डिडिहाट जिले के आंदोलन वाले स्थान पर जहां अमरन अनशन को आज 13वां दिन है और आज समर्थन के लिए आए हुए हैं डिडिहाट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी श्री दीवान सिंह मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है मेहता जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जनता अक्सर ही चाहती है कि कोई नेता उनके बीच आए और इस आंदोलन को इसमें योगदान दे, इस आंदोलन में अपना, और आप आए इस आंदोलन में। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी का क्या सहयोग रहेगा जिले की इस मुहिम में अगर आप सत्ता में आते तो? मित्रों, ऐसा है कि आज से लगभग 30-35 साल मुझे याद है जब हम लोग हमारी पढ़ाई चली थी, हम लोग नारायणगर में स्कूल में पढ़ते थे और हमारे गांव के तमाम बुजुर्ग ग्राम प्रधान और तमाम अन्य लोग और यहां पर संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम चलता था उस टाइम से आज से 30-35 साल पहले से हम यहां पर डिडिहाट जिला बनाओ के संघर्ष के बैनर तले हम यहाँ पर हमेशा काम कर रहे हैं और हमने काम किया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि डिहाट के क्षेत्र की जनता के बारे में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय जनता डिहाट जिला बनाव में जो भी यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं हम उनके साथ हैं, संयुक्त मोर्चा के साथ हम हमेशा खड़े थे और हमेशा रहेंगे। और जहाँ तक अगर यहाँ पर बैठने की नौबत आएगी या किसी भी रूप में, चाहे तन मन धन तीन चीज़ हमारे पास रहती है, हम तन मन धन तीनों चीज़ से हम जिला बनाओ संगठन मोर्चे के हम काम सहयोग करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक ये गवर्नमेंट हमें डिडिहाट को जिले का रूप नहीं देती है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि उत्तराखंड में जहां अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों को मौका मिला है, अगर आम आदमी पार्टी को इस बार मौका मिलता है तो आपकी क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी और आपकी प्रदेश को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएँ रहेंगी, कुछ मुख्य योजनाएँ? जी मित्रों, ऐसा है कि हमने आज से 20-22 साल पहले उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया कि हमारी देश की, हमारे प्रदेश की स्थिति अच्छी होगी, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यहाँ का पलायन रुकेगा, यहाँ की दिशा और दशा दोनों ठीक होंगे। लेकिन हमें बहुत दुख है, हमें बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर दोनों गवर्नमेंटों ने आने के बावजूद भी अपनी राजनीति की अपनी रोटियां सेकी और यहाँ के कहाँ जो दुख दर्द था, यहाँ की जो बेरोजगारी थी, यहाँ पर का जो एक प्लान चल रहा था, यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर था, इसको कभी भी ऊपर नहीं। तो पीयूष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वॉइस ऑफ माउंटेन्स में। तो आपका धन्यवाद जी। मैं आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने कैसे सोचा कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस धरने पे बैठे? क्या कहते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों का यही कहना था कि मतलब जिला डिडियाट बने करके, और क्या कहते हैं, यहाँ अस्पताल हो गया और किसी भी चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, लोगों को किसी भी चीज़ के लिए यहाँ से दूर भागना पड़ता है पिथौरागढ़ को तरफ को, जिसमें उनका हजारों का खर्चा आ जाता है। अगर डिडियाट जिला बन जाए तो उनको इधर उधर दौड़ भाग नहीं करके यहीं उनकी सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो अभी तो आप काफ़ी युवा हैं, आपकी उम्र जान सकता हूँ मैं? जी 18 साल। 18 साल, तो दर्शकों आप देख सकते हैं अभी केवल 18 साल के हैं और दिल में हौसला है डिडिहाट को जिला बनाने का इनका। आपने सुनी होगी एक कविता थी स्कूल टाइम पे हमारी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए दूजा साथ निभाना। आज उसी कविता को, उसी कहानी को सच करते हुए पीयूष कुमार जी इस धरना स्थल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ और
साथ ही कन्याल जी भी 3 दिन से लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है सबसे पहले तो। दर्शकों आप देख सकते हैं आज 3रा दिन हो गया चंद्र सिंह कन्याल जी को धरना स्थल पे, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। सर अभी तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे जानना चाहूंगा आप एक व्यापारी हैं, तो अन्य व्यापारियों का आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है? सर सहयोग बढ़िया सहयोग मिल रहा है व्यापारियों का। अब व्यापारी पूरे अपने मेहनत के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। जब समय मिल रहा है हर व्यापारी यहाँ आंदोलन में समर्थन दे रहा है, और क्या कहते हैं इस आर पार की लड़ाई में हम अवश्य 2021 में ही जिला ले आएंगे। तो आपको क्या लगता है जिला बनने के बाद व्यापार में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, डीडीहाट में कैसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, परिवर्तन कह रहे हो आप। जहाँ जिला बनेगा तो जिले में कुछ नहीं, तो जो हम लोग यहाँ से आजकल सभी पिथौरागढ़ जा रहे हैं, धारतुला से पिथौरागढ़ जा रहे हैं, इतनी दूर कम से कम यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी है। मुनसारी से कम 150 किलोमीटर दूरी हो जाती है हमारे यहाँ, जबकि 50 किलोमीटर दूर है वो हमारे यहाँ हमारे ज़िले में आते हैं, उनकी दूरी सीमाएँ हैं। तो डीडीहाट एक केंद्र बिंदु है, तो भाई जिला बनने के बाद यहाँ दुगने आदमी तिगने आदमी आएंगे बाजार में। मैं एक छोटी सी चाय का होटल चलाता हूँ, चाय बेचता हूँ, तो मैं आज बाई दबे 50 चाय बेच रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद मैं निश्चित तौर पे 500 चाय बेचूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।